नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अकेले तो शायद कोई नहीं है, सब कमान शॉट है। अच्छा ओके पैक अप। उषा तुम्हारी कार नहीं आई, चलो मैं घर छोड़ देता हूं। चलो
सुषा तू आज घर पे ही? हाँ। देर से क्यों आई? तुमको छोड़ने कौन आया था? ऊपर से देखा नहीं था क्या? देखा, इसीलिए पूछ रहा हूं। उस फिल्म डायरेक्टर वाला किस्सा दोहराना चाहती हो क्या? और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक पसंद नहीं मुझे। जख्म को कुरेद कुरेद डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। उस बार घर ले आया था, बार बार नहीं लाऊंगा। तो मरने क्यों नहीं दिया मुझे? क्यों वापस ले आए? गलती की। मेरी कमाई की जरूरत है इसीलिए ना। क्या सच है अपने नाम से अलग बैंक अकाउंट खोला है तुमने और नया कॉन्ट्रैक्ट भी खुद साइन कर लिया है? तो क्या सारे पैसे सत्ते जुए में उड़ाने दूं तुम्हें? सुषमा की नहीं सोच रही है, आई की नहीं सोच रही है मुझे? किसने बोला चाय लाने को? निकलो यहां से। तुम हमेशा यही समझती रही कमाई तुम्हारी, एक्ट्रेस बनने में मदद मैंने की, तुम्हारा करियर संभाला मैंने, बाप के मर जाने के बाद तुम्हारी आई आजी भूखों मर जाते सब लोग, मैंने रोटी दी है उसको, मैंने। अच्छा, अब भी रोटी है आप ही दे रहे? सुषमा, सुषमा वो रिकॉर्ड बंद कर। सुषमा क्यों रिकॉर्ड बंद करे? तुम कौन होते उसको मना करने वाले? तुम फिर से घर छोड़ने का बहाना खोज रही हो? जाओ, नाक रगड़ती वापस आओगी। बाबा आई को? चुप कर, हमेशा का नाटक है ये। जा तू अपने कमरे में। आई तो सच्ची जा रही है। सुषु। क्यों? सुषु मेरे साथ जाएगी। सुषमा मेरी बेटी है। सचमुच? ले जाओ उसे, बना डालो अपनी तरह, खूब अच्छा होगा, सारी जिंदगी दूसरों के घर पड़ी रहेगी। सुषमा के जरिए हाथ मरोड़ने का मेरा यह तरीका बहुत पुराना है, यही कहना चाहती हूं ना?
रजे के लिए पका रही हूँ, अपने लिए नहीं। इसी किस्म से बसंत और पूरी अधनाश्री इसको भी संभालना चाहिए, इसकी भी धैवत में फर्क है। ये हुई पूरी अधनाश्री, थोड़ी सी धैवत बढ़ा ली। अब ये जो बातें हैं ना, सिर्फ विलंबित में ही संभाली जा सकती हैं, तानों में इनका संभालना बड़ा मुश्किल है। हाँ साहब, शुरू कीजिए। वाह संता भाई, खाना निहायत लजीज बना है, क्या कहने, तुम्हारे सुरों का मजा तुम्हारी बेटी के खाने में आ गया है। खूब है, खूब है, वाह। उषा कहाँ जा रही हो, तुम्हारा खाना? बच्ची बुढ़ापे में क्या करेगी? मैं क्यों बूढ़ी हूँ? तू क्या जाने, ये सुर ही तो हमें पागल बनने से बचाते हैं। उषा, जिंदगी के बचे खुचे दिनों में ये हुनर ही काम आता है। उषा आना। हाँ दादा। यहाँ रियाज छोड़कर यहाँ भाग गया? हाँ। क्यों? आई बुला रही, जा। सुबह रियाज के नाम पर रेखती रहती और फिर दिन भर मटर गस्ती और काम चोरी। ये नहीं कि मेरा थोड़ा हाथ बटाए, गाना गाती रहेगी तो अपने अजय जैसी जिंदगी काटेगी, मंगलसूत्र भी नसीब नहीं होगा, काम सीख लेगी तो कोई भला मानुष शादी तो करेगा। क्या केशव से कह देना थोड़ा चावल चाहिए, जा जल्दी। पकड़ लिया ना चोट्टी को। आई ने चावल का बोला है। पहले बता मुझसे शादी करेगी कि नहीं? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, करेगी, 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 करेगी। कसम खा ले। मैं कसम खाती हूँ, मेरा हाथ छोड़। हाथ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बता तेरी आई कैसी है? कल तो आए थे, फुस फुस कर रहे थे। बहुत ज्यादा बक बक करने लगे। मैं तुम्हारे से ठेंगा करूंगी, ठेंगा।
गिर गई ना, बताया था मैंने। चलो उठो 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 उठो, कुछ नहीं हुआ है। चलो 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 चलो, अब चुप भी कर। मैं क्या चुप रहा हूँ? मारूंगा एक झापड़। दादा दादा से कहूंगी कि तुमने मारा। ये देख ये पावली ले और जाके कुरमुरे खा। चल चलो 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 बिच्छू, और देख अब सीधे चलना, दुखता भी हो तो दिखाना नहीं, नहीं तो मैं पावली वापस ले लूंगा। चल चल बंद कर आवाज, आवाज बंद कर। वैनी क्या हुआ? वैनी कब तक चलेगा ऐसा, भगवान जाने। सुबह से पीकर पड़े हैं, थोड़े ही दिनों में खाने के लाले पड़ेंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो वैनी, मैं जो हूं। कैसी बेजा हरकत करते हो। अरे उषा, मैं अभी वैनी से कह रहा था कि तू रोज इतना अच्छा गाना गाती है लेकिन मुझे कभी नहीं सुना। हा? नहीं सुनाऊंगी, शादी के बाद रोज गवाऊंगा। शादी भी नहीं करूंगी, बड़ों से बात करने का सहूर भी नहीं है। दिन भर रेखते हैं तो गाना क्यों नहीं गाती? ठेंगा। क्या बोली? ठेंगा ठेंगा ठेंगा। अरे नहीं, छोड़ दो ना उसे। क्या बोली? वैनी नहीं, बच्चे है वो। नहीं गाएगी, नहीं गाएगी। वैनी छोड़ दो ना, दिन भर रेखते हो। क्या कर रही हो वैनी, पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो वैनी, बोल। नहीं गाएगी, नहीं गाएगी। क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है? क्या है बेटे? आई ने मुझे मारा। मारा क्यों? इनके लिए मैंने गाना नहीं गाया। तुमने इसे मारा सिर्फ इसलिए इसने इसे गाना नहीं सुनाया? मेरी लड़की का ख्याल है क्या? इसके इसकी बांदी है क्या जो इसके लिए गाना गाए? मुझे ना करे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हटो, तुम बीच में मत पड़ो, जो चाहे करूंगा इसके साथ। आपको ये शोभा नहीं देता। हटो, तुम भूल रहे हो शायद, घरवाली मेरी है। कब मिली? आयन
कहाँ गई थी? आजी को देखने। क्यों? कहीं मर तो नहीं गई? उसे देखने गई। तेरी जीभ में हड्डी नहीं है क्या? उल्लू बोला ना। चुप, सो जा। उषा, उषा, आओ। उषा, आओ, अपने दादा को आखिरी प्रणाम करो। और सिनेमा के लिए लड़कियां चाहिए तो कोशिश करने में क्या बुराई है? तुम नहीं समझो कि केशव, हमारे घराने को लोग कैसी तुच्छता से देखते हैं। अपनी जाति में मैं पहली थी जिसने शादी की। ब्राह्मण पति मिला मुझे, एक बार ऊंचा उठकर फिर से कीचड़ में लौटना, फिर से वही ताने टोकने सुनना, मर जाना ज्यादा अच्छा है। लेकिन वैम, उषा अभी बच्ची है वैम, काम मिल भी गया तो 2-3 साल के बाद छोड़ देगी, लेकिन तब तक के लिए तो कुछ सहारा मिलेगा ना। उषा की अभी उम्र भी तो नहीं हुई है शादी, कुछ साल बाद ही तो हो सकेगी ना शादी, तब तक आजी तुम ही कुछ समझाओ ना। शांता, पेट का भी तो कोई धर्म होता है ना। आई, मैं हमेशा तुमसे लड़ी, मैंने कभी नहीं चाहा मेरी बेटी गाने वाली बने। करो अपने मन की, बनाओ उसे सिनेमा वाली। इस पापी पेट ने मुझे कहीं का नहीं रखा। प्रोड्यूसर साहब कहाँ है? कौन सा प्रोड्यूसर भाई? वो हरिलाल जी। हाँ, वो उधर। ये हुई ना कोई बात? जल भुन कर राख हो जाओगी, मेरा अपमान करके कोई भी जिंदा नहीं बचाया आज तक। गुड गुड गुड, कीप इट अप लाइक दिस ओनली। ओके, रश्मि बालाजी आप तैयार हैं? आप बेफिक्र रहिए। मनोहरलाल आप तैयार हैं? जी हाँ। आइए नीचे। मनोदाब रेडी फॉर टेक? जी। ओके। एक्शन। राजकुमारी, तुम इस बेताल के शौर्य को नहीं पहचानती, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानती। मेरे इस अग्नि महल से आज तक कोई भी कुमारी जिंदा नहीं बच सकी है। मैं तुम्हारे सौंदर्य को जलाकर राख कर दूंगा। अग्नि, अग्नि! अब भी करोगी मेरी भावनाओं का तिरस्कार, मेरी कामनाओं का अपमान? अपमान?
रानी को अपमानित करने वाला अपमान की बात करता है। तू धोखे में मत रहे, मेरे पिताजी तुझे कहीं से भी खोज निकालेंगे। वो तुझे ऐसी कड़ी सजा देंगे कि तू भी याद करेगा। ध्यान से सुन, कैसे शब्दों को जमा जमा कर बोलती है। अपनी इज्जत बहुत रियाज करने के बाद ही तुम ऐसा बन सकती हो, समझी? ये कौन बड़बड़ कर रहा है यहाँ? ऐसे में क्या खास एक्टिंग करूंगी? ऐसे फालतू लोगों को यहाँ किसने आने दिया? बाहर करो उनको। काट उस दोनों का लगाने को दिया। हाँ, चलो बाहर निकलो। चलो चलो, कौन बोला तुमने किराने के लिए? चलो बाहर निकलो तुम। चलो चलो बाहर चलो। कहाँ से तुम आ जाते हैं? आपको कौन चौर साहब बुलाते हैं? कौन? चौधरी चौर साहब। चलो 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 जल्दी। रजनी बालाजी आइए 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 बैठिए। शुरू करें? शुरू करो बेटी। सबको 300 मील से 7 लात कर लाया। सब चौपट कर दिया ना इसने। मुझे क्या गरज पड़ी थी? मैंने सोचा था तुम लोगों का भला होगा। जरा ढंग से गा लेती तो, पर नहीं, सुर लेने से पहले ही शुरू कर दिया। बहुत बड़ी कलाकार है ना बेवकूफ। अब मैं कुछ नहीं करने वाला तुम लोगों के लिए। आजी ने इतना मर खप कर सिखाया, कटवा दी ना आजी की नाक। अब चलो पंढरपुर, भजन करो हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। अब रहने भी दे केशव। बेबी मुंह खुलाए क्यों बैठी हो? तुम्हें ले लिया गया है। अरे नमस्ते तो कर। चलो ड्राइवर। लावा आ गवा मैम साहब। ससुन डॉक के पीछे लेना। राजन साहब हैं? क्लब गए, आते ही होंगे, आइए ना।
जाने मन तलवार से क्यों घायल करना चाहती हो? सीधे नजर छोड़ो, घायल होकर तुम्हारे कदमों में लौटूं। जोकर मुंह बना रहे पागल है, रोमियो जैसे है ना। दुनिया मेरे कदम चूमती है, पर मेरे एक इशारे पर दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी मोहब्बत को कबूल करो उषा। उषा क्या हुआ? कट 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 उषा ने जहां नारा इशक ने निकम्मा कर दिया गालब, वरना आज ही राजन साहब भी जोर डालते। मैं 2 बजे की गाड़ी से आ गया। राजन साहब से परिचय नहीं कराओगी? प्लीज टू मीट यू मिस्टर दलवी। दलवी केशव दलवी। हाँ बासंती। हाँ आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? जरूर, मैं तो जा ही रहा था। सिर्फ आजी कैसी है? तो मैंने जो सुना वो सही है। क्या सही है? कि तुम्हारी आशनाई चल रही राजन के साथ। झूठ है, अखबारों में खबरें छपी हैं, फोटो भी आई है तुम दोनों की। वो फिल्म की फोटो है। मेरी मंगेतर होते हुए ऐसा बेहयापन करते शर्म नहीं आई तुझे? मंगेतर क्यों, शादी की कसम भूल गई? बोलो ना। लेकिन लेकिन क्या, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम लोगों के पीछे जान खपाओ? वहां आज की अब तब पे आ बनी थी, मैं उनके पीछे मर खप रहा था और तू गुलचर्रे उड़ा रही। यहां क्या हुआ आजी को? तुझे अगर कसम तोड़नी है तो अभी बता दे, फिर से मुंह नहीं देखूंगा तुम लोगों का। भूखे मरो। अजी, अरे उषा तू, अरे ठहरो अजी, ठहरो
इतनी कमजोर हो गई हो तुम? अब तो फिर भी ठीक हूं, लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। केशव ने मुझे बहुत संभाला, अच्छा लड़का है वो। तू आ गई? आई, कैसी हो तुम? जरा इधर आना। केशव वहां आया था? हाँ, क्यों? अरे तुम स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? मुझे लगा तुम अटक गए कहीं। हाँ अटका तो था, तुम्हारे ही काम से। क्यों? तुम तो फोटो छपा के छुट्टी कर लेती हो, इकट्ठे करते फिरते हैं हम। ओ, ये फोटो क्यों छपवाया? तो फिर ये देखो। नहीं ये भी अच्छा। हाँ ये सुनो, बहुत सालों के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस पर्दे पर आई है वो है जिसके गले की मिठास और कैरेक्टर में तालमेल बैठता है। ये तो हुई अखबारों की धमाल। आज ही जहाँ फिल्म चल रही है ना, वहाँ तो इतनी भीड़ लगी हुई है। सच? टूटे पड़ रहे हैं लोग तुम्हें देखने के लिए। और तुम वो गाना गाती हो ना, पब्लिक तो इतना खुश हो जाती है। कौन सा गाना? वो ना 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 ना। चलो थिएटर का चक्कर लगा के आते हैं। चले चलो चलो। लेकिन तू तो अभी अभी आई है और तो आ गई तो इस केश से तेरा मिलना मुझे पसंद नहीं। क्यों? वो बहुत बड़ा है तुझसे, नौकरी का भी ठिकाना नहीं। और उसकी जात भी तो अलग है। जब उसने हमारी मदद की तब तुम कुछ नहीं बोली? लीला, लीला तेरी बात तो सुनो। पहले वादा करो कि तुम नहीं जाओगे। ये कैसे मुमकिन है लीला? बाबूजी कभी ना मानेंगे, वो तो मेरे कॉलेज की फीस तक भिजवा चुके हैं। और मैं दिल्ली ही तो जा रहा हूँ, कोई विलायत तो नहीं। तुम मुझे भी ले चलो अपने साथ। अभी नहीं लीला, मैं पहले वहां जाकर कोई नौकरी तलाश कर लूं, फिर मैं आऊंगा अच्छी अच्छी साड़ियां और गहने लेके और अपनी लीला को दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ए? लो, अब तो हंस दो। लेकिन उससे पहले ही मैं और कुछ नहीं बन जाऊं। क्या क्या लीला? मैं कैसे कहूं, हमारी शादी जल्दी न हुई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी न रहूंगी। रो मत लीला, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। मोहन, किधर गया मोहन? जल्दी बुला लेना, गाड़ी का वक्त हो गया। मैं चलता हूँ लीला, मेरा इंतजार जरूर करना। मोहन, मोहन, दीदी मान लो एक लड़की जिसका ब्याह न हुआ और वो माँ। दीदी मैं कलर की नहीं हूँ, मेरा गला घूट दो। लीला नहीं नहीं ये तो क्या कह रही है, मुझे माफ करो दीदी। लीला मेरी लीला, ये तूने क्या किया, मुझे ये दिन भी देखना पड़ा था। मोहन को मालूम है,
मैं उसे अभी बुलाती हूँ, वो तो आज बाहर चले गई। बाहर चला गया? लीला, वो कहीं तुझे धोखा तो नहीं देगा? नहीं दीदी, वो ऐसा ना करेंगे। कौन जाने इन पुरुषों का क्या भरोसा, इनका विश्वास करके हम अपने को मिटा देते हैं और हमें मिलता है छल कपट धोखा। शेखर बाबू को ही देख, मैं उनको देवता समझती थी। क्यों गई थी उसके साथ? मैंने मना किया था ना, बोलती क्यों नहीं? दो पैसे कमाने लगी तो तू क्या समझती है, जो चाहे कर सकती है? मालकिन बन गई घर की। हाँ, तेरे कर्म में क्या यही बता है? पहले तो तेरे बाप ने पी पी कर जीना हराम कर दिया, आई अब तुझे छिनाल बनने देखो। आई मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं क्या बच्ची हूँ? अच्छा तो तू मेरा नहीं सुनना चाहती, भगवान का तो सुनेगी ना? चल चल चल, भगवान के सामने तू संभा संभा पहले, चल 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 आया। कसम खा पहले, नहीं तो ठीक नहीं होगा, कह देती हूँ। तूने पढ़ा भी नहीं। शांता, आई तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारे लाड से ही सर पे चढ़ गई है वो। कसम खा, आज के बाद केशव से कभी नहीं मिलेगी। हाँ आई। ओशा, खाई कसम। उषा, आई से ऐसे नहीं लड़ा करते, बहुत सहा है उसने हमारे घर आने पर, वैसे ही उंगलियां उठाते हैं लोग। America declares war. The Red Army on the offensive in Stalingrad. The Axis forces mount attack on North Africa. Orders from Japanese aircraft carriers bombarded the Pearl Harbor yesterday morning. Major part of the Pacific fleet has been destroyed. Hundreds of American servicemen have been killed. The attack on Pearl Harbor took place even as Japanese diplomats kept up the farce of partying in Washington. अब बताओ क्या हुआ? उसका क्या जाता है? किसका? आई। क्या हुआ? तू सोचते मैं हर बात गलत करती हूँ? इसको मत मिलो, उसको मत मिलो, इसके मत जाके उसके साथ मत बात करो। सुनो, ऐसा नहीं करते। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। सुनो मेरी बात तो सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। The Axis forces mount attack on North Africa. हम शादी करेंगे। According to delayed reports, मैं कुछ काम नहीं करना चाहती। और फिर फिल्म लाइन को बिल्कुल छोड़ दूंगी। लेकिन शांता भाई, आगे ले लो, हटा हटा, चलो बाहर हटो। सुनो, आपने हमारे उषा जी का डांस देखा? रुको रुको रुको, हरिलाल की खुशखबरी सुनानी है। ये मेरे होने वाले पति देव हैं। ये नहीं, ये नहीं, वो
आइए आइए आइए, बधाई हो दलवी साहब। दलवी आइए आइए, इधर आइए। हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी सुनानी है। जल्दी हमारी रोइन रोटियां बेलनी शुरू करेगी और दलवी साहब को घर में शायद पापड़ बेलने पड़े। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। बदल गई मैं तो एक नजर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। पोज ऐसे होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। समझ गई ना? ठीक है चलो चलो। अच्छा उषा, लोग बात क्या बातें उड़ा रहे हैं तुम्हारे बारे में? ये सच है कि तुम फिल्मों में काम नहीं करना चाहती? हाँ। पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि तुम फिल्मों में काम नहीं करना चाहती कि राजन के साथ काम करने में ऐतराज है तुम्हें? दोनों।
तुझे ये कहते शर्म नहीं आती? सच बोलने में कैसी शर्म आई? मेरे जीते जी तू केशव से शादी नहीं करेगी। तो मेरे पेट का बच्चा बगैर बाप का होगा। मेरी जिंदगी की कश्ती तेरे प्यार का सहारा, मेरी जिंदगी की कश्ती तेरे प्यार का। वो कबूल करता है? हाँ, तुझसे शादी करने को तैयार है वो? हाँ जी। नहीं तूने भगवान के सामने कसम खाई थी? नहीं आई, तुमने जबरदस्ती दिलवाई थी। तेरा कभी भला नहीं होगा। बच्चों को ऐसा अशुभ कभी नहीं बोलना चाहिए। उषा आजा बेटी, मां के पैर छू ले, आजा। उषा, वो प्रोड्यूसर कह रहा था कि उसकी अगली पिक्चर के लिए तुमने ना कर दिया। हाँ, अब बच्चा होगा और फिर घर का काम भी तो बढ़ेगा। हाँ वो तो है ही, लेकिन अभी तक मेरा कारोबार भी ठीक से नहीं समझा। और शांता भाई और आजी का जिम्मा भी तो हमारे ही ऊपर है। प्रेसिडेंट फिल्म का गीत शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए केसर भाई केरकर का गाया हुआ। वो प्रोड्यूसर कह रहा था कि बहुत जल्दी फिल्म पूरी कर देगा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने
मैंने उसे कह दिया है कि हम फिल्म करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में राजन नहीं होगा फिल्म में। से झगड़ा हुआ, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? इस क्यों का जवाब मालूम होता तो हमेशा के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ता मुझे। हमेशा के लिए? अच्छा ऐसा करो, पहले तुम खाना खा लो, तब तक जान तुम्हारा कमरा ठीक कर देगा। यहां रहकर उसके झूठे शक को सही साबित करो। तुम जैसी औरत को कोई छोड़ कैसे सकता है? मेरी तो समझ के बाहर है। क्योंकि तुम्हारी समझ गई है खास चलने। उषा, जब घर छोड़ने का फैसला ही कर लिया है तो तलाक भी ले लो ना, मैं इंतजार करूंगा। शादी के बाद दीवार से माथा फोड़ोगे? मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। एक तुम ही हो जिसने मुझको सिर्फ दिया है, कुछ लिया नहीं। तुम्हें भी खो दूं? कमरे तक छोड़ दूं? सलाम मेहमान साहब। ये आपका बैठने का कमरा, आइए ना, आइए। आइए आइए। और ये आपका सोने का कमरा। थैंक यू। के प्राण लौटाना हमारे बस की बात नहीं है। सत्यवान उठो, आओ मेरे साथ।
चंपा भाई खिलजी आए हैं। ये है सेठजी हमारी चंपा भाई मारती है वो टकेची है और आबरूदार बनती है। बस जात मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। मेरी आंखों में सलाखें भोंक दो, मेरी जबान तालू से खींच लो, मेरी हड्डी पतली तोड़ दो, मैं अपनी इज्जत नहीं लुटाऊं। इज्जत से क्या तेरा पेट भरेगा? अरी पगड़ी धंधा नहीं करोगे तो खाओगी क्या? सीताजी अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का सबूत दे गई, पर मेरे लिए कौन सा उपाय बताइए? मैं कौन सी अग्नि परीक्षा दूं? माय लॉर्ड, मैं अपने आप को कैसे बेकसूर साबित करूं बताइए? अगर सीता की अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते तो मुझे मीरा के जहर का प्याला दिया जाए, तभी एक पतिव्रता के साथ सच्चा इंसाफ होगा। माय लॉर्ड, ओके। वाह वाह, ए वाला सीन बहुत कमाल। बिल्कुल, क्या बात है उर्वशी जी। वाह, बंगाली सिनेमा का अंडर एक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं चल। आप कितने बजे पहुंच रही हैं? कहां? पार्टी में। हरिराज, में पार्टी में नहीं आ सकती। सुषमा से मैंने कहा था उसे बाहर लेके जाऊंगी, पर दलवी साहब ने तो हाँ कर दी थी, और फिर बहुत से प्रेस वाले आ रहे हैं और नवी फिल्म भी तो अनाउंस करनी है। तुम अभी वैसे के वैसे ही बैठी हो, टाइम का होश तक नहीं रहता। शांता भाई, सुषमा को अंदर ले जाओ। और नहीं नहीं, मत जाओ। नहीं बाबा, सुषु बेटे ऐसा नहीं करते। आई को पार्टी में जाना है तो आज के साथ बैठ जाऊंगी। सुषु, नहीं बेटा, नहीं, इधर मैं नहीं जाऊंगी। तुम तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम तैयार हो जाओ। तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी पार्टी में। मैं सुषु के साथ रहूंगी। तुम राजन के साथ जो नई फिल्म कर रही हो उसकी खबर देनी है प्रेस को। राजन के साथ? स्टूडियो का क्या हाल चाल है? अजी, स्टूडियोज का जमाना खत्म ही समझिए, अब तो स्टारों का जमाना आएगा और वो स्टार भी खूब मोटी रकम वसूल करेंगे। अच्छा, अरे उसके स्टूडियो के थिएटर है, अरे जिस दलल्ले से मोटर बनाते हैं उसी रफ्तार से फिल्में भी। लीजिए लीजिए। अरे हमारी रोहित साहब आ गई। नमस्ते हरिराज। और बताइए दलवी साहब। दलवी, ओहो, ये आपके बहुत तंग करते हैं जी। मिस्टर अगाशी, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, आपके हीरो कहाँ है? यही कोई अपना स्टाइल मार रहे होंगे। उषा, मुबारक हो। मुझे? हाँ, इन्हें दो, अपना बिजनेस चाहे ठप कर दे, मेरा प्राइस तो बढ़ाते ही रहते हैं। अरे राजन साहब, इतनी दूर, यहाँ तो आइए। राजन इतना बड़ा स्टार हो गया है लेकिन बिल्कुल बदला नहीं। उषा, जानती हो हरिलाल जी की ये जो नई फिल्म है ना, सबसे ऑडिटर, हाउ आर यू? मे आई हैव दिस डांस इफ यू डोंट माइंड?
मुंह न खोलने की कसम खाई है। शादी नहीं की? नहीं। लेकिन इसकी कोई वजह? तुम। आओ जी आओ आओ आओ। सेल्वी साहब, कभी तो श्रीमती जी को अकेला छोड़ दिया कीजिए। आइए उषा जी, आइए। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बताऊंगी क्या? ये मेरी तरफ देख के बोलो ना। इधर देखो, तुम मुझको मारना चाहते हो, मारो 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 ना। तेरी भलाई के लिए मैंने राजन के साथ फिल्म साइन करवाई, तुझे आज ना ही याद आ रही है पुरानी? कसम खा। मैं कसम नहीं खाऊंगी। कसम खा। मैं कसम नहीं खाऊंगी। कसम खा। छोड़, छोड़। मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाती है कसम। चल अंदर। चल। नहीं खाएगी। चल। चल अंदर। सुषमा अंदर जा। सुषमा निकल यहाँ से। शांता भाई, इधर ले जाओ अंदर। चल चल अंदर। चल। बोल खाएगी कि नहीं कसम। बोल। चलो। अच्छा। खाती हूँ कसम। मैं कसम खाती हूँ। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम इस वक्त उषा, उषा जानते हो मेरे आज के मौत की खबर तक नहीं दी गई मुझे, क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी, इन्हें पैसों की जरूरत थी।
बापू जी के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई मैं। उषा कोई मजबूरी नहीं होगी। मेरी आई पर बुरी नजर डालना भी मजबूरी थी। उषा ये क्या कर रही हो? शुरुआत। डोंट बी सिली। उषा छोड़ो। उषा चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। घर तो तुम्हारे आई हूं। पार्टी में बड़ी डींग मार रहे थे अपने प्यार की। अब नशा उतर गया क्या? तुम सिर्फ दलवी साहब से बदला लेना चाहती हो उषा। और तुम सिर्फ बुचकने का बहाना खोज रहे हो। जिम्मेदारी के नाम से जान छूट रही है तुम्हारी। जा रही हूं। हेलो। हेलो उषा, मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि तुम्हें नींद आ रही या नहीं। ना रही हो तो हेलो हॉट चॉकलेट पी लेना, आ जाएगी। ओ राजन। चलो चलो दूसरे शॉट की तैयारी करो। हाथ पकड़ो चलो जल्दी। अच्छा अब ये कैमरा क्रेन से उतार के यहां रखो। उषा तलवी साहब का फोन था, कहते हैं घर वापस आ जाओ। राजन घर में और कैद खाने में फर्क होता है। तो फिर मेरे घर रहने में क्या इतराज है तुम्हें? तुम नहीं समझोगे और मैं समझा नहीं पाऊंगी। बस उस मनहूस होटल में दम घुटती जिंदगी काटूंगी। राजन एक बात बताओ, अपने ही घर में दम नहीं घुटना चाहिए ना? घरवाले की भी कोई कीमत होनी चाहिए ना? रहने में बड़ा अजीब लगता है पर मैं सही मानों में घरवाली बनना चाहती हूं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांडुंग सम्मेलन में कश्मीर के बारे में भारत के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है। पूरे समाचार सुनिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना आज से लागू हो रही है। सलाम मेम साहब। मेम साहब वो साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे बोलो शूटिंग से लौटी नहीं अभी तक।
मिम साहब वो साहब ये चिट्ठी देखे गया। उषा ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं लेकिन अंदरा के गाना सुन सकती हूँ? जी हाँ जरूर जरूर, मगर अंदर सिर्फ मैं और मिस्टर काये हैं। अगर आपको इतराज न हो, आप उर्वशी जी है ना, बहुत अच्छा काम करती है। आइए विनायक, तुम मिले हो इनसे? उर्वशी जी रिकॉर्ड सुनना चाहती है। हाँ बैठिए। चाय पियेंगे? भाई सुतार, तुम्हारी सलाह कुछ जमी नहीं। अच्छा, ये एक्सपोर्ट का झंझट मैं नहीं पालूंगा। कोई बात नहीं, मैंगनीज वैसे ही गिर रहा है, लोखंड की खान को लीज पे उठा देता हूं। फिर संन्यास भी ले लीजिए, वैसे भी आप घर पे मुंह कम ही दिखाते हो। ठंडा पियेंगे आप? कुछ खाइएगा? पंकज मलिक हो जाए। पंकज मलिक मैं इसे दोबारा सुन सकती हूं? मेरी आजी का गाना है। थोड़ी देर रुकना होगा, मेरे दोस्त सुतार साहब पंकज मलिक सुनना चाहते हैं। पंकज मलिक ने क्या रखा है? यहां गाने की बारीकियों पर बहस नहीं हो रही है उर्वशी जी, मेरा दोस्त जो सुनना चाह रहा है मैं उसे सुनाऊंगा। जाने भी दो यार, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हमारे कमरे में आई है, उनकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए। अब तो सुनाएंगे। मेहमान को कोई हक नहीं कि हम पर अपनी पसंद ला दे, वो बड़ी एक्ट्रेस ही क्यों ना हो। अगर मैं एक्ट्रेस न होती तो शायद आप ऐसे पेश नहीं आते।
एक्ट्रेसेस को नीचा दिखाने में कुछ लोगों को खास मजा आता है। लोगों को? मुझे नहीं। उसूल नाम की भी कोई चीज होती है। बड़ी थकी से दिख रही हो। उषा, मेरी चिट्ठी मिली थी ना? तुम घर वापस लौटाओ उषा। आपने तो कहा था मैं नाक रगड़ती वापस आ जाऊंगी। गुस्से में आदमी कुछ से कुछ कह जाता है और फिर ये। सुनील आया था, बड़ी मिन्नत कर रहा था कि मैं तुम्हें उसके पिक्चर में काम करने पर राजी करूं। बहुत खस्ता हालत हो गई है उसकी, पहले वाला सारा रोब अब। मैंने ना कर दिया। अब तुम थकी हुई हो, आराम कर लो और भी रंग डालेंगे। अरे ऐसा मत करना, नहीं तो पड़क जाएगा। क्यों? अरे उसे रंग खेलना पसंद नहीं। छोड़िए। अरे इसी दिन उसकी बेटी चल बसी थी। मुझे मालूम है आपको रंग पंचमी पसंद नहीं। मैं जहां का हूं वहां होली कैसे खेलते हैं जानते हो? तुम्हें एक राज की बात बताऊं? ये सच है कि मेरी बेटी 5 साल पहले मरी थी, लेकिन रंगपंचमी के दिन नहीं, वो तो यूं ही लोगों को दूर रखने के लिए किस्सा उड़ाया मैंने। यानी तुम मरी हुई बेटी का सिर्फ बहाना बना रहे हो? तो क्या करें, अपने इस देश में दिमाग से तो कोई सोचता नहीं है, दिल से सोचते हैं सब। हकीकत को नजरअंदाज करना हम लोगों की खासियत है। जो बीत गया गुजर गया, उसी की दुहाई देते रहेंगे। उससे भी मन नहीं भरा तो फिर आत्मा पुनर्जन्म की बातों से मन बहलाएंगे। तो तुम पुनर्जन्म में नहीं मानते? बकवास है। पुनर्जन्म सब हकीकत बुलाने के लिए अफीम है। हकीकत यह है कि हम पैदा होते हैं और बिला वजह मर जाते हैं, कीड़ों की तरह। कीड़ों में और हम में कोई खास फर्क नहीं है। फिर तो किसी चीज का मायना ही नहीं हुआ, जिंदगी में कोई अर्थ ही नहीं रहा। बिल्कुल, इसीलिए तो हमें जिंदगी में अर्थ डालना पड़ता है, मायने पैदा करने पड़ते हैं, और अर्थ खोजने के लिए कभी कभी अपनी जान दे देनी पड़ती है। एक्सीडेंट में मरने से भगवान बचाए। एक्सीडेंट में मरना मुझे भी पसंद नहीं। मैं मरूंगा तो खुदकुशी करके, आत्महत्या, लेकिन उस वक्त नहीं जब मैं गमगीन और मायूस हूं। खुशी और इत्मीनान का लम्हा चुनूंगा उसके लिए। क्या हुआ? कांटा लग गया शायद।
डर लगता है। किस बात का डर? मेरी बेटी। बेटी? बेटी का नहीं, लोगों के अंदर उर्वशी देवी की जो मूर्त बैठ गई है उसके टूट जाने का डर है तुम्हें। तुम्हारे चाहने वाले बेचारे तुम्हारे लिए सिर्फ आईना है, आईना, और तुम इस आईने में कैद एक मूर्त हो, कैद में पूरी तरह सुखी। सिर्फ एक डर है, कहीं कोई नया तजुर्बा आकर तुम्हारी इस कैद को चकना चूर न कर दे। नए तजुर्बों से बचकर परछाइयों के बीच जिंदगी गुजारने का इरादा है। अच्छा था, दैट वाज गुड। पानी से इतना डरती क्यों हो? अगर कॉस्ट्यूम थोड़ा सा भीग जाएगा तो अच्छा ही इफेक्ट आएगा। डोंट लेट इट डिस्टर्ब यू। अब जो शॉट मैं लेना चाहता हूँ उस टीले के ऊपर तुम खड़ी हो बीच में, और ट्रॉली उधर से घूम कर आएगी। एट द टाइम मोहन पेड़ से निकल कर तुम्हारे दाएं हाथ। अच्छा रेडी, आ जा। मोहन मोहन आएगा। Thank you.
क्या करते हो? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? उषा क्या हुआ, शूटिंग नहीं कर सकती क्या? चलो अस्पताल ले चलता हूँ। क्या लगा रखा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उषा अच्छा तो खाना भी शुरू कर दिया। आई बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। सुना है आज तबीयत कुछ खराब थी, क्या हुआ था? ऐसा भी कोई पूछता है? बात क्या है? आई मेरे को भी बताओ ना। चुप। अमर चतुर्वेदी से समाचार सुनिए। कल मार्शल जोसेफ स्टालिन का देहांत हो गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध को आधुनिक युग का देवालय कहा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक विकास पर बल दिया है। पूरे समाचार सुनिए। कल मार्शल जोसेफ स्टालिन का देहांत हो गया। रूस के लौह पुरुष दूसरा बच्चा इस घर में नहीं पलेगा। स्टालिन अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप शुद्ध निर्माण करने में सफल हुए। दोगला पालने के लिए मैंने कोई अनाथालय नहीं खोला है। लेकिन तुम जानते हो ये बच्चा तुम्हारा है। असाधारण निष्ठा के लिए सचमुच लेकिन तुम कल ही मैं तुम्हें नर्सिंग होम में एडमिट कर दूंगा। ये बच्चा तुम्हारा ही है, मुझे ये बच्चा चाहिए, हर हालत में चाहिए। सुषमा अब बड़ी हो गई है, बच्चा होने के बाद जब मैं कहूंगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? बोलो सह पाओगी? उषा उषा ये करने में मुझे कोई खुशी तो नहीं हुई, मजबूरन करना पड़ा। उषा तुम उषा का ही भाड़ ने उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं खिलखिला तेरे ऐसा मत करो ऐसा मेरे पेट पे बच्चा है। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा प्लीज साइन हियर। कीज Here, sir. Hey, यार तुम्हारी बारी है।
एक साथ क्यों नहीं कर सकते थे? एक साथ इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लैला मजनू नहीं हैं। उषा, जिंदगी की हकीकत को तुमने हमेशा रंगीन चश्मों से देखा है, लेकिन मौत, उषा, मौत बहुत ही निजी मामला है और इसका सामना अकेले ही करना चाहिए, वरना दूसरी मौतों की तरह ये बेमानी हो जाती है। लेकिन उस डर को तुम जीत सकी, ये बड़ी बात है। उषा, अलविदा। मरने के बाद हम मिलेंगे सुनील। मरते वक्त भी बचपन के किस्सों का सहारा लेना चाहती हो? उषा, ये आखिरी विदाई, यही हकीकत है, इसके बाद कुछ नहीं है। अलविदा। मेरी 40 गोलियां टेबल के दाहिने ड्रॉअर में हैं। चाहो तो उन्हें केमिस्ट को लौटा देना। उनके साथ वो गोलियां भी हैं जो तुमने नहीं ली। बहुत बहुत प्यार, सुनील। माफी मांगने आई थी। अंदर आएंगे आप? पर इस बार मैं अकेला हूं।
देखो मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। उषा मैंने तुम्हें बताया नहीं या तुमने मुझसे पूछा नहीं या बात ही नहीं निकली, ये सब मुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम ये भी जान लो कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी दूसरी पत्नी जिंदा है। बच्चा पैदा होने के बाद ही उसे लकवा मार गया था और सालों से पलंग तोड़ रही है। अभी भी वक्त है, सोच सकती हो। तुम वापस जाना चाहो तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, अभी का अभी, इसी वक्त। माँ ये उषा है, अब यहीं रहेगी, इसे घर दिखा दो। विनायक बाकी कागजी काम करने में मुस्तैद है, सिर्फ माँ को चिट्ठी लिखने में आलस आता है उसे। घर में रौनक सिर्फ पैसे से नहीं आती, घर में रहने वालों से आती है। आओ। ऑल इंडिया रेडियो बम्बई, विनायक भटकता रहता है। आज हम आपको सुनाते हैं गंगूबाई हंगल का गाया पर राग मारवा। माँ बाबा साहब के साथ कोई आई है? विनायक का कमरा ऊपर है, आओ। ये मेरा कमरा है, आओ। तुम्हारी अपनी कोई संतान तो नहीं? जवान मर्द को औरत तो चाहिए ही चाहिए, पर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो तकलीफ होती। बैठो। तो क्या ये यही रहेगी? तू दूध पी ले और सो जा। पहले कहानी सुनाओ। तू दूध पी ले। मैं नहीं पीऊंगा, तू मुझे कहानी नहीं सुनाती। सुनो। अब कहां से लाऊं मैं रोज रोज दही कहानी तेरे लिए? मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। पहले दूध पी लो। पहले कहानी। पहले दूध पी लो। पहले कहानी। बाद में कहानी। पहले पहले कहानी। अच्छा पहले दूध पी लो। पहले कहानी। जल्दी दूध पी लो। पहले कहानी। उषा कल सुनाऊंगी कहानी। हाँ। अब सो जा। चल दूध पी ले और सो जा। मुझे तो ख्याल ही नहीं आता पर माँ ने ये साड़ियां तुम्हारे लिए मंगवा भेजी हैं। दो चार दिनों में शहर से और भी आ जाएंगे। और ये खोल कर देखो। पहनो ना।
और कुछ चाहिए? कमर टूट चुकी है, लेटे लेटे पीठ पर फफोले पड़ गए हैं, नजर घुमाने के लिए सिर्फ ये कमरा और ये छत, फिर भी मौत नहीं आती। तुम्हारा दीनू तो है, कभी तो खुदकुशी की हिम्मत नहीं होती। ये किस लिए? घर की मालकिन नहीं बनना चाहोगी? तुम्हारी पत्नी, उसकी देखभाल का जिम्मा भी तो अब तुम्हारा ही है। कहाँ गई थी इतने दिन? भाग गई थी क्या किसी के साथ? लगनेज है ले। अच्छा, कैसा है? बड़ा ऐसा ये नहीं, तुम्हारा वो वाइट ना लगता है तेरी वजह से मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब आराम मिलेगा। कितनी उंगलियां है? 10। 11। नहीं 10 है। देखो गिनो, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 11। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज सुनाऊं। बोलो। इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही और हवा पूरब से पश्चिम जा रही। अच्छा, तो फिर धुआं किस तरफ जाएगा? पश्चिम। इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं होता है क्या? दिनू रहने दो, अक्का अग्नि परीक्षा का गाना है। दोबारा एक्टिंग की तलब नहीं उठती। दिनू, खाना खाने क्यों नहीं आया? मुझे नहीं खाना। क्यों? बाजू के गांव में मेला लगा है तो मेरे स्कूल
जाएंगे। तो तुझे किसने मना किया? मैं दामू के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? वो मुझे झूले पे बैठने नहीं देता। तो किसके साथ जाएगा? मालूम नहीं। नहीं मालूम? नहीं। काकी तुम चलो ना, खूब मजा करेंगे। खूब मजा करेंगे? कितनी घुमा फिरा के बात करता है, सीधा कह देता तो मैं आती नहीं तेरे साथ। दामू। हाँ भाई। गाड़ी निकालना। गाड़ी? लेकिन भाई वो मैं दीनू को लेके मेले पे जा रही हूँ। लेकिन काले साहब को मैं बता दूंगी, तुम जाओ जल्दी। काले साहब के हुक्म के बिना गाड़ी घर के बाहर नहीं निकलेगी भाई। क्या लगता है तेरी तो शामत आ गई है। काले साहब से कहकर तेरी छुट्टी नहीं करवाई तो देख लेना। आवा साहब, वो छोटी भाई साहब मेले में जाने को बोलती थी, आपका हुक्म नहीं था इसलिए गाड़ी नहीं निकाली। सुनो, ये दामू बहुत सर पर चढ़ गया है। क्यों? मैंने उसे कहा गाड़ी निकालो, मैं दीनू को लेके मेले पर जा रही हूँ, उसने साफ इनकार कर दिया। तो क्या, जरा उसे डांटो। दामू यहां बहुत पुराना नौकर है, उसे इस घर की मर्यादा और नियमों की जानकारी है। नियम? तो इस घर के नियम मुझे बाहर भी नहीं जाने देंगे क्या? मैं क्या बादली हूं क्या, मोम की गुड़िया जो सूरज की रोशनी में पिघल जाऊंगी? तुमसे वही करने के लिए कहा जा रहा है जो हमारे परिवार की कोई भी संभ्रांत स्त्री करती। मेरी दादी चार दीवारी के बाहर कभी नहीं गई, मेरी मां नहीं गई, शादी विवाह के अफसरों को छोड़कर। जब तक चलने फिरने की स्थिति में थी, मेरी पत्नी ने भी कभी बाहर कदम नहीं रखा। यह हमारे परिवार की परंपरा है। तुम्हारा परिवार? मैं तो इस परिवार की नहीं हूं। यहां आने के लिए तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी, लेकिन जिस दिन इस घर के अंदर कदम रखा तुमने, उस दिन से तुम इस परिवार की हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि। अब तो मालूम हो गया। तुम्हें इस परिवार के नियम और परंपराओं को मानना होगा उषा। बंबई जैसी आजादी तुम्हें नहीं मिल सकती यहां। इस पूरी भाषणबाजी के पीछे तुम्हें यह तो डर नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी? कान खोलकर सुनो, घर की चार दीवारी के अंदर तुम्हें वो सारे अधिकार हैं जो एक पत्नी के हैं। जो कहोगी माना जाएगा, लेकिन यह बात ध्यान रखो कि इस घर की कोई भी औरत इस चार दीवारी के बाहर ना कभी गई है ना कभी जाएगी। मरने के बाद इस घर की औरतें इसकी डेली लांघती हैं। और कुछ? Thank you.
पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हो गया है। जनाब इस्कंदर मिर्जा को पदच्युत करके जनरल अयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। जनरल अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और सेनाओं की कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाल ली है। हाँ अजम, पाकिस्तान के हजारा जिले के रेहाना गांव में हुआ था। 1926 में जनरल अयूब खान ने सेना में कमीशन प्राप्त किया था। सिंदरी उर्वरक उत्पादन का कंगू, तूने वो चिट्ठी डाली थी? हाँ। टिकट लगवाया? नहीं तर। उसी रोज डाली थी ना? हाँ। उम्मीद पर मत जी उषा, मुझे देख, लिखे को किसने मिटा है। मैं कभी नहीं जा पाऊंगी अक्का। जिसे बुला भेजा है वो आए तब ना। मेरी मान अपनी कैद से समझौता कर ले। चली भी गई तो क्या बदलेगा, सिर्फ बिस्तर बदलेंगे, रसोई घर बदलेंगे। उषा, मर्दों के मुखौटे बदलते हैं, मर्द नहीं। और कितना भटकेगी तू? उषा, उषा तुम्हारी चिट्ठी देर से मिली। उषा,
उषा शांताबाई नहीं रही। भगवान की दया से मेरा कारोबार अब अच्छा जम गया है, सब ठीक ठाक ही चल रहा है। उषा उषा हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? तुम्हें क्या लगता है? शायद नहीं। तुम घर आना पसंद न करो, इसीलिए मैंने होटल में एक कमरा भी बुक कर दिया है। सुषमा को तो मिल सकूंगी, यह भी कोई पूछने की बात है? सलाम मेम साहब। जीजी भाई का है। सुषु आई? कितनी बड़ी दिखती है, कैसी है? प्रेग्नेंट। सुषु 2 महीने के ऊपर है। सुषु ये क्या कर बैठी तू? सुषु स्त्री का चारित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आई तुम अब भी फिल्मी डायलॉग बोलती हो। शादी कर ली है, अब तो जी में जी आया। वो कहाँ है? काम पर, तुम्हें घर लाने के लिए कहा है। हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। आई ने मुझे याद किया था? तू मुझे कभी कभी देख जाया कर। मेरे अकेलेपन से मुझे खुद ही निपटना होगा। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ। राजन, तुम्हें कैसे पता चला मैं बंबई पहुंच गई हूँ? अच्छा वो बात जाने दो, पहले ये बताओ मिलोगी कब?
बहुत सारी बातें करनी है तुमसे उषा, कुछ आपसे, कुछ फिल्मों के। हेलो उषा, सुन रही हो ना? प्रोड्यूसरों में अब भी तुम्हारी डिमांड है उषा। हेलो हेलो उषा, क्या बात है उषा? हेलो हेलो उषा, बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो उषा, हेलो तुम ठीक हो ना उषा? उषा हेलो हेलो हेलो।